जय छठी मैया। आज छठ पूजा का सजिया घाट है। अब हम डाला भर लेंगे। डाला भरने के लिए ये 7 ठो अरक है और ये छीटी है। छीटी को और ये डलिया को सबको भरेंगे। ये चावल का आटा में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर इस तरह से घोल बना लेंगे और ये सब में लगा देंगे पहले इस तरह से। दोनों तरफ से लगा देंगे। चावल का आटा का लेप लगाकर फिर सिंदूर लगाएंगे। तरफ से लगा देंगे। जहां जहां चावल का आटा का लेप लगाएंगे वहीं वहीं सिंदूर भी लगाएंगे। अब इसी तरह से बाकी अरक में भी लगा लेंगे और फिर साइड में रख देंगे। अब चावल के पिठार का और सिंदूर का लेप हमने लगा लिया है। अब अक्षत रखेंगे, चावल का अक्षत रखेंगे सब में थोड़ा थोड़ा। अब पान पत्ता रखेंगे। तुलसी पत्ता रखेंगे। हरा मटर को रात भर पानी में भिगोकर इस तरह से छान लेंगे और इसको रखेंगे। अब फूल रखेंगे। अरकत पात रखेंगे। अरकत पात इस तरह से रहता है। इसमें लौंग, इलायची, कपूर, सिंदूर, माला और इस तरह का रहता है, इसको अरकत पात बोलते हैं। ये रखेंगे सामने। माला रहता है, एक कलश में पहना देंगे। अब गुड़ रखेंगे। अब कच्चू रखेंगे। अब ये पत्ता वाला हल्दी रखेंगे। अब मूली रखेंगे। अब बरबट्टी रखेंगे। अब सुथनी रखेंगे। अब गन्ना रखेंगे। बतासा रखेंगे। अब पानी फल रखेंगे। अब अनार रखेंगे। अनार में इस तरह से चावल का पिठार लगा देंगे और सिंदूर लगा देंगे। ये बाकी के सभी फल में लगा देंगे, नींबू, संतरा और सिंदूर लगा देंगे एक फल में। अब सब अरग में एक एक को अनार रखेंगे। अब ओल रखेंगे। ओल को छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे। अब संतरा रखेंगे। अब सेब रखेंगे। अब मौसमी रखेंगे। अब छोटा नींबू रखेंगे। पाइन एप्पल रखेंगे। अब केला रखेंगे। अब ये बड़ा नींबू रखेंगे। नारियल रखेंगे। मिठाई रखेंगे। मिठाई को घाट पर जाने के बाद खोल देंगे। अब इसी तरह से रखेंगे। कसार रखेंगे। अब एक गेहूं के आटा वाला ठेकुआ रखेंगे। एक खाजा रखेंगे। अब ये मैदा वाला ठेकुआ रखेंगे। डाला हमारा भरा गया है। अब ये बड़ा वाला छीटी में ये सब डाला रख लेंगे। घाट पर जाएंगे। केला का घौर चढ़ाएंगे। इसमें भी चावल का आटा का और सिंदूर का टीका लगा देंगे।